और मेरे साथ है शेफ खतीजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, व्हाइट व्हाइट कलर, खूबसूरत खूबसूरत है, मेरा फेवरेट कलर है व्हाइट कलर। अच्छा जी, आज डिश क्या बन रही है? गर्मियां बहुत है, सब्जियां जो है दिल ज्यादा करता खाने को। भाई आपने पिछली बार फरमाइश की थी खतीजा कोई सब्जी हो जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफा सब्जी बना ली जाए। तो फिर क्या क्या इसमें डाल? आज मैं बना रही मिक्स सब्जी। इसमें हम डालेंगे गोभी, ओके, फिर हम डालेंगे गाजर, मटर, आलू, ये है हमारी सब्जियां, ठीक है। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस जो डालनी है, ठीक है, इसमें रेड चिली पाउडर है, ओके, इसमें जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी है और नमक है, ओके। चंद स्पाइसेस में ये डिश रेडी हो जाती है, इसमें ज्यादा स्पाइसेस की जरूरत नहीं होती, जो इसका खुद का होता है ना टेस्ट वो वेजिटेबल्स से आता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। हम लोगों ने जल्दी से पैन रखना है, फ्लेम ऑन है, पानी मुझे अनवर भाई जरा जल्दी से ला दे इनके इस्तेमाल के लिए भी और मेरे पीने के लिए भी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सब इन्होंने चीजें, हाँ ले लो, कौन सी चाहिए आपको ले लो। यस, पहले से क्यों नहीं ली खतीजा, हाय अल्लाह। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक और दूसरा कप भी दो, शाबाश। यस, टमाटर को पहले अच्छे से फ्राई करेंगे, जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। पहले टमाटर ऐड करने की सब्जी बनने, ऐसा होता नहीं है हमेशा, क्योंकि हम लोग क्या नाम है प्याज नहीं ऐड कर रहे ना इसमें, हमने इसमें टमाटर और दही ऐड करना है बस। अच्छा ओके, प्याज नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सब्जी बना रहे हैं, वो ग्रेवी थोड़ी बनानी है हमने, कि इसमें प्याज भी ऐड होगा, ओके, तो थोड़ा ग्रेवी टाइप बनेगा, नॉर्मल खड़ी खड़ी सब्जी। हाँ जी बिल्कुल, ओके, खड़ी वेजिटेबल। और वैसे खाना चाहिए, हम लोग जो है ना सब्जियों से दूर परे हो गए, बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ कि सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल आप लोग करें। और साथ साथ अगर कोई भी अपना इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनना चाह रहा है कुकिंग में, तो मैं ये भी मेंशन कर दूं कि बहुत सारे शेफ मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, अपनी अच्छी अच्छी डिशेज हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जल्दी से दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें क्या ऐड होगा? इसमें हम डाल देंगे अब स्पाइसेस, पाउडर डालेंगे, डालें बिस्मिल्लाह करें, 1 टीस्पून मिर्ची डालना, ठीक है, ऐड कर दिया जी। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, ओके, ठीक है, हल्दी पाउडर, ओके, हल्दी पाउडर, ओके, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ओके, और नमक, कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे जब हम इसको दम पे रखेंगे, ओके, इससे पहले हम नहीं डालते, ओके, दैट्स गुड। और कसूरी मेथी ना हमेशा थोड़ी डाली जाती है, ज्यादा डालेंगे तो वो करवाट सी दे देती है, तो हम उतनी डालेंगे जितनी हमें जरूरत होगी। अच्छा, कसूरी मेथी जो है ना वो करवाट होती है, कड़वी होती है, तो उसको ज्यादा डालेंगे, हाँ जी ज्यादा डालेंगे तो वो कड़वी हो जाएगी आपकी डिश, ठीक है, तो बस इसको हमने खुशबू के लिए डालनी है। अच्छा, कसूरी मेथी में और हरी मेथी में बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। हम लोग जब मेथी पालक वो सॉरी मेथी आलू पकाते हैं तो उसमें नहीं होती, उसमें वो हरी होती है, हाँ, वो हरी होती है, वो डिफरेंट होती है, कितना फर्क है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड करेंगे? दही, दही डालेंगे। चलिए जी, दही इसमें ऐड करते हैं, टाइम बहुत कम है, मैं चाह रही हूँ इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाए फिर हम लोग। यस, हमारे पास आ गया ये, हमने ये देखे टमाटर हमारे, मैं बिल्कुल 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 ठीक है, अब इसमें हम दही डाल, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, एक ग्रेवी सी बन जाएगी, फिर हम इसमें वेजिटेबल डाल देंगे। अच्छा, बस दम पे रख देंगे। वाओ, ये इसके अंदर, अच्छा ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम साइड पे, हाँ, कर देते हैं, साइड पे कर दे, बस कसूरी मेथी चाहिए, कसूरी मेथी हम लोग, अच्छा बहुत क्विकली हुआ है खतीजा, वेजिटेबल वैसे भी क्विकली बनाई जाती है, और वैसे दम पे पकाना चाहिए, उनकी जो है ना वो फ्लेवर आता है, बेवकूफी जो होती है, हम लोग पता क्या करते हैं उनको, इतना गलाते रहते हैं, गलाते रहते हैं, तो उनका सारा ना जो इंग्रेडिएंट्स वैल्यूज है ना वो न्यूट्रिशन वो भी खत्म हो चुके हैं। बस इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, ठीक है, वैसे ये तो ऑयल तो ऊपर आ चुका है, नहीं नहीं अभी थोड़ा सा जो ऑयल है ना, ठीक है, ऊपर आएगा, लेकिन दही जो है ना उसको, और अब इसके इसके बाद ऐड कर लेंगे जी ये। अच्छा खतीजा, आपसे कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो किस उसमें हम? मैं केक एंड ग्लेस के नाम से हूँ इंस्टाग्राम पे, केक एंड ग्लेस के नाम से, और फेसबुक पे भी मैं केक एंड ग्लेस के नाम से हूँ। और अगर क्या नाम है आप लोग मुझसे कोई डिश सीखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है बेकिंग विद मरियम के नाम से, आप वहाँ से भी मेरी तमाम रेसिपीज ले सकते हैं। अच्छा, कैसे ज्यादा ऑर्डर्स क्या होते हैं? केक्स क्या आते हैं? क्रीम केक वगैरह मेरे बहुत चलते हैं। ओके, तो